तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपको अपने आज के इस व्लॉग में वेलकम करता हूँ मैं। आज मैंने आपको दिखाना है केपीके में किस तरह से शादी होती है, ठीक है। अपने दोस्त के मैंने शादी पे जाना था, मैंने आपको बताया था, वो थोड़ा सा दिखाना है आपको, उनका कल्चर वगैरह दिखाना है। उसके अलावा आपको बस का भी जो है वो मैंने रिव्यू देना है, क्योंकि मैं जाऊँगा बस में, ठीक है। अपनी गाड़ी मैंने खड़ी करनी है उधर पार्किंग में, और फिर उसके बाद मैंने बस पे जाना है, बस में ट्रैवल करना है, और फिर जो है वो आप लोगों को सारा बस किस तरह से सीट्स वगैरह क्या चीज़ें हैं उसमें, बस में क्या सहूलियात प्रोवाइड करते हैं लोग हमें, रेंट वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है मैंने, वो आपने देखना है। और शादी में जो जो फन किया वो सारा कुछ देखिएगा, साथ रहें, सब्सक्राइब करें आप लोग, लाइक करना है, पसंद का वीडियो आती है तो लाइक करना है, और फिर कमेंट करके बताना है कैसी लगी आपको शादी। और कुछ डिफरेंसेस भी हैं दोनों में, पंजाब में जो शादियां मैंने अटेंड की हैं उसमें, और ये केपीके वाले जो मेरा दोस्त है इसकी जो शादी में अटेंड करूंगा, मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ, देखें आप। तो ये फैसल मूवर्स में पहुँच गए, यहाँ से टिकट वगैरह ओके करा के अब बस में बैठ रहे हैं हम, आ रहे हैं अहमद भाई के साथ सफर पे, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे टाइम पे, चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह पहुँच कर। उसके बाद ये देखें जी, ये हमें टीवी वगैरह दिया हुआ है, इसमें सारा कुछ है, टीवी शोज, नाच, मूवीज़ वगैरह, कार्टून भी आप देख सकते हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ भी हैं इसमें, बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं थी खैर, तो ये हॉलीवुड की मूवी भी देखें, प्ले कर सकते हैं हम। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर पॉकेट भी दी हुई है, यहाँ पर आप जो है वो कुछ भी रख सकते हैं अपना सामान वगैरह, और फिर सीट्स की जो है वो आप स्पेस भी देखें काफ़ी ज़्यादा है, मेरी टांगें आराम से पूरी आ रही हैं। और फिर ये ट्रे दी हुई है, इसमें आप कुछ भी खाना वगैरह अपना रख सकते हैं, ग्लास वगैरह रख सकते हैं आराम से। ये देखें जी, ये माइक भी हमने मंगवाया है, ये भी लगा सकते हैं आप लोग आराम से, अगर आपके पास अपने हैंड्स फ्री वगैरह नहीं है तो ये बस की तरफ से जो है वो आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। आपने अगर कोई भी प्रोग्राम वगैरह देखना है तो आप ये लगा के आराम से उसको सुन सकते हैं अपना, कुछ भी आपने लगाना है तो कार्टून्स लगा लें, मूवीज़ लगा लें, कलाम लगा सकते हैं आप कोई भी, या कोई भी नात वगैरह लगा सकते हैं आप, वो आप पे डिपेंड करता है। लें जी, ये फिर हमने स्टे किया है कलर का हार, कलर का हार की जो हमेशा से पहाड़ियाँ बड़ी मज़े की लगती हैं, यहाँ पर जब भी स्टे करते हैं बड़ा इन्जॉय होता है। नमाज़ वगैरह पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्रेश हुए हैं थोड़े से, खाना वगैरह खाया, और फिर अब हम दोबारा से वापस जा रहे हैं बस की तरफ। टाइम कम था इसलिए छोटी मोटी चीज़ें ही लेकर खाई हैं, ताकि जल्दी से जो है वो पहुँच जाए अपनी बस में। तो ये अब आ गए हम फाइनली पेशावर, ये पेशावर टर्मिनल पर हम खड़े हैं इस वक्त। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, मोस्टली जो टैक्सी वगैरह होती है वो इसी तरह से ही होती हैं, ये छोटी छोटी महरानें होती हैं कार्टून सी। लें जी, अपना सफ़र अब शुरू कर दिया है टूवर्ड्स शादी हॉल, शादी हॉल इसी तरह जा रहे हैं, पहले प्लान था घर जाने का लेकिन अब प्लान बन गया शादी हॉल जाएंगे हम, और उसके बाद फिर जो है वो शादी अटेंड करके हमने फिर फ़ौरन से वापस भी निकलना है। अच्छा जी, ये अब हम लियाकत पैलेस पहुंच गए, जहाँ पर है फंक्शन, और हम पहले पहले ही पहुंचे हैं सबसे अब यहाँ पर हमने जाके अंदर करना है चेंज वगैरह, ठीक है। वो सिक्की खड़ा नहीं, सिक्की नहीं है, पता नहीं कौन है। ये देखिए जी, ये हॉल है, जेंट्स का अलहदा बना हुआ है, लेडीज़ का अलहदा, ठीक है। के पी के ज़ाहिर है यहाँ पर, ये तो होता है, आयो तो इतना थक गए अहमद भैया। ये अभी हैं हम, अभी थोड़ी देर में चेंज होते हैं, ठीक है, करते हैं कपड़े। हम डायरेक्ट सफ़र से आए हैं यहाँ पर, और ये हॉल है, यहाँ पे कुछ देर बाद देखिएगा कैसे माशाल्लाह से रश होता है, अभी फ़िलहाल ये खाली है, तो इसको फुल होते हुए आपको दिखाते हैं। काफ़ी बड़ा सफ़र था, अब अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए, तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी 15 मिनट पहले ही हम पहुँचे, अभी तक तो नहीं है, 15-20 मिनट में आ जाएंगे इंशाल्लाह, रश लग जाएगा, उतनी देर में हम अपना जो है वो
चेंज वगैरह कर लेते हैं। कपड़े जो है उधर से नहीं पहन के आया था लाहौर से ही, क्योंकि पता था कि रास्ते में जो है वो फिर ख़राब हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लाए साथ में पैक करके, वो चेंज करते हैं और फिर इंशाल्लाह जो है वो प्रोग्राम अटेंड करते हैं और फिर निकलना भी है वापस फ़ौरन से, क्योंकि वापस जाने काम है, ड्यूटीज़ वगैरह हैं, तो इसलिए। एंट्रेंस है, वहाँ से हम एंटर हुए थे और ये यहाँ पर उस तरफ मस्जिद वगैरह भी है सारा, और ये फिर यहाँ पे आके ये हॉल है सारा, अंदर से आपको मैंने दिखाया है। ये आ गया हमारा दोस्त रेडी होके बिल्कुल। वारको सूट ये सब कुछ बेहतरीन हो गया, शुक्रिया। ओके मैच टाई शाई जबरदस्त, चेंज कर लिया है और बारिश बहुत हल्की हल्की शुरू हो गई है यहाँ पे, बड़ा मज़े का माहौल बन गया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है प्रोग्राम में इंशाल्लाह। तो खुश हैं अब आप जी? हो गया आपकी निकाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बारात हो गया आज वाली में इंशाल्लाह। अभी माशाल्लाह ड्रेस बड़ा जबरदस्त किया आपने जी, आपके साथ ही था। ये कुदरत भाई ने कहा है ये मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब करवा रहे हैं और इन्हीं की वजह से 200 सब्सक्राइबर हो गए, पता है आपको क्या हुआ? इंशाल्लाह आप अभी कहाँ आए हो? मैं इधर सिकंदर भाई की शादी पे आया हूँ। सिकंदर भाई की हो ही गई, कुदरत भाई हैं, हो ही गई उसकी आखिर, अल्लाह ने उसकी सुन ली बेचारे की, अब बाकी जो रह गए इनकी भी सुन ली। ये कुदरत भाई भी बड़े प्यारे भाई हैं हमारे और बड़े पुराने दोस्त हैं। ले जी ये दूल्हे के फादर हैं, माशाल्लाह से अंकल बहुत ही ज्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सिर्फ 7:30 हुए हैं जो टाइम दिया था प्रॉपर, और देख लें सारे लोग आ गए हैं। ये फ़र्क है पंजाब की और केपीके की शादियों में। ये सारे दोस्त हैं लाहौर से जो आए हैं हम। ये है अहमद, ये तो मेरे साथ आया। ये फिर कुदरत भाई हैं, हम काफ़ी टाइम से इकट्ठे हैं, तकरीबन 2016 से। फिर ये अवैस भाई हैं और ये हैं मनान भाई। तो हमें तो इतना टाइम नहीं हुआ मिले हुए, लेकिन 2 साल फिर भी हो ही गए हैं तकरीबन। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, खाना खाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि भूख बहुत लगी। आप लोगों ने कब से खाना खाया हुआ है? हमने कोई 3 बजे ओए, हमने तो वो नाश्ता किया बस। इसका मतलब आप तो सही लड़े हम तो, मैं तो किचन का वेट कर रहा हूँ, उधर जाना है। तो ये लें जी ये किचन में अब हम आ गए। अब यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से देख खुली है और ये चावल निकल रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने अब ये इस तरह से अलग बर्तन में ये सारे चावल वगैरह निकाल लें, खुले बर्तन में इसको डालेंगे, ताकि फिर आराम से इजीली जो है वो जैसे उसने ट्रे पकड़ी हुई है उसमें वो आराम से डाल सकें। और फिर ये एक तरफ टिक्के वगैरह भी निकल रहे हैं, कैसे ये देखें लाइन में बैठे हुए हैं। वो आगे जो हैं वो 2 सालन वाले बैठे हुए हैं। अब ये इस तरह से चावल डालेंगे, वहाँ से वो टिक्के रेडी करेंगे और इसी तरह से इनकी प्लेट्स वगैरह बनती हैं। यहाँ पर सबसे पहले बनाए, फिर यहाँ पर देखें जी चावल वगैरह अब ये डाल रहे हैं, फिर वो टिक्के तैयार हो रहे हैं और वो आगे देखें जी सालन वगैरह डाल रहे हैं। ठीक है, वो सालन वगैरह डाल के फिर ये यहाँ पर इस तरह से ट्रे रेडी करके रख देते हैं। ये देखें सालन रखा हुआ है, 2 चावल के ट्रे रखी हुई है, नान वगैरह रखेंगे, इस तरह से ये रेडी हो गई। और ये भी देखें आप, ये इस तरफ देखें जी ज़रा, इधर ये देखें नान बना रहे हैं। नान इतने मज़े के इनके होते हैं, नरम और बहुत मज़े की होती है रोटी। वो देखें ऑयल भी लगा रहे हैं साथ साथ और ये रेडी कर रहे हैं। वो हमारे भाई साहब जो है ना वो बस लगे हुए हैं फुल टाइम चावल डालने, बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो डालते हैं चावल चावल। तो ये इस तरह से ये जब रेडी हो जाती हैं, फिर अब इन्होंने तीसरा एक सेक्शन भी बनाया हुआ है। ये यहाँ पर फिर ला के जो है ट्रे रख देते हैं और फिर यहाँ से डायरेक्ट जो है वो फिर अंदर हॉल में ले जाते हैं और वहाँ पर सर्व करते हैं। तो ये सीन है यहाँ पर सारा। अब हम आपको सीधा मिलते हैं खाने की टेबल पर खाना खाते हुए। ये जी दुल्हे साहब भी जो हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह।
वापसी का क्या सीन है? वापसी का सीन देखते हैं क्या है। फिलहाल हमने सोचा है कि एक दो दिन इधर रहेंगे। एक दो दिन रहना आप लोग ना करो। हाँ हमने एंजॉय करना है अभी। तो चलें जी, अब जो है वो रुख्सत वगैरह ले लिए दूल्हे से, अब वापस निकल गए हैं। और वापसी जो है वो हमने सेलेक्ट की है डैवो की बस। डैवो में अब हम वापस आ रहे हैं। तो डैवो की बस में सबसे बड़ा डिफरेंस तो एक तो ये था फैसल मूवर्स के साथ कि इनमें इन्होंने हमें टीवी नहीं दिया। टीवी नहीं दिया तो अब सफ़र कैसे गुजरेगा। खैर चलें, वो तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। तो बाकी ये देखें, यहाँ पर इनके बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम थी, वही उसी तरह से पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, सब कुछ है। सीट्स थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल थी, ऊपर से भी देखें बिल्कुल सेम है, सारा वही डिज़ाइन है। और वही पॉकेट वगैरह दी हुई है, वही ट्रे दी है इन्होंने हमें अपना सामान वगैरह रखने के लिए, सारा कुछ सेम है। यहाँ पर भी आराम से आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। बाकी स्पेस की अगर बात करें तो इनकी स्पेस भी वैसे ही थी, आराम से जो है वो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं आप। बस सीट थोड़ी सी सख्त थी इनकी, बाकी सारा कुछ सही है। और टीवी नहीं हमें दिया इन्होंने। जी निकाह जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त नेमत भी है हमारे लिए, इंसानों के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की एक हदीस है, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने लोगों से कि अगर आप निकाह की हिम्मत रखते हो, ताकत रखते हो, मतलब आपके पास इतने अगर अखराजात हैं कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ज़रूर निकाह करो। ये दो चीज़ों की हिफाजत करेगा, एक तो आपको आपकी नज़र नीचे रखने में हिफाजत करेगा, दूसरा ये कि आपको बेहयाई के कामों से रोकेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा इस चीज़ से। तो ये बहुत ज़रूरी है, आजकल जिस तरह का ज़माना है ना उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए कि हम अपने आप को, अपनी हिफाजत किस तरह से करें, बुराइयों से, बुरे कामों से किस तरह से अपने आप को रोकें। तो इस वजह से निकाह एक अल्लाह की तरफ से हम कह सकते हैं हमारे लिए नेमत है, तोहफा है बहुत बड़ा, जो हमें एक एक सबक देता है कि हमने अपने आप को किस तरह से बचाना है बुरे कामों से। दूसरा ये कि उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अपने आप को इतने, उसी हदीस में कहा है कि अगर इतने ताकतवर नहीं हो, इतना मतलब आपके पास असासे नहीं है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो उसमें फिर बेहतर ये कि आप रोजे रखो, क्योंकि रोजा फिर इंसान की जो है वो पावर्स को थोड़ा सा कम कर देता है, जो एक वो उसकी थिंकिंग है गलत कामों की तरफ जो सोचता है उस चीज को कम करता है, और इंसान में एक इबादत का जो है वो जज्बा पैदा करता है। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी समझ के चलना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर चीज में आसानी बताई हुई अपने बंदों के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने बताई हुई है। तो इस वजह से इस्लाम में तो हर चीज का हमें बता दिया गया है, अब हमें किसी चीज में भी ये बहाना नहीं हम कर सकते कि हम जो, हमें जो है इस चीज का पता नहीं था, ये बताया नहीं गया। तो इसलिए हमें जो है ना वो अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें बचाए हमेशा बुरे कामों से, और अच्छे अच्छी चीजों की तरफ लगाए हमेशा। तो आप लोगों ने देखा, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो डिफरेंसेस थे जो मैंने फील किए हैं। अब मुझे पता नहीं यहाँ पर ऐसे होता नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैंने जितनी शादी अटेम्प्ट की है मतलब पंजाब में, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सबसे पहली चीज तो सेपरेट हॉल, वो तो डेफिनेटली लेडीज का बिल्कुल टोटली अलग था, जेंट्स का अलग था। यहाँ पर भी कहीं कहीं होता है इस तरह से, बट बहुत रेयर मैंने देखा है इस तरह से। हॉल सेम होता है, बीच में सिर्फ डिवाइडर रखते हैं, बट वहां पर तो हॉल ही बिल्कुल जो है वो अलग अलग था, एंट्रीज वगैरह सारे कुछ बिल्कुल डिफरेंट था। उसके अलावा जो चीज मैंने ऑब्जर्व की, वहां पर टाइमिंग्स को बहुत प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, मतलब उन्होंने जो टाइम दिया उस टाइम में सारे ठक करके पहुंचे हुए थे। यहां पर तो पंजाब में कुछ लोग जाहिर इस बात से एग्री करेंगे मेरी बहुत ज्यादा कि टाइमिंग्स जो है वो 2 घंटे पहले की देनी पड़ती है, तब जाके वो 2 घंटे पहले की आते हैं। मतलब अगर 8 बजे की टाइमिंग्स है ना आपकी, तो आपको 6 बजे की टाइमिंग्स देनी पड़ेगी, तब जाके 8 बजे सारे लोग पहुंचेंगे, सारी वहां पहुंचेंगे। लेकिन वहां पर जो टाइम दिया था उस टाइम पे सारे पहुंचे थे, और सारे प्रॉपर टाइम पे अपना पहुंच के टेबल्स पे बैठ गए, बैठ के गपशप वगैरह की, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना खुला। अच्छा, फिर तीसरी चीज जो है, खाना जब खुलने लगा, खाने की देग वगैरह से जब वो चावल डाल रहे थे, जैसे मैंने किचन का भी विजिट कराया आपको, तो वो चावल डालने से पहले उन्होंने दुआ करवाई है, मतलब जो भी जिन्होंने अरेंजमेंट्स वगैरह करवानी हो, दूल्हे का जैसे फादर है, वलीमा था, तो जाहिर दूल्हे वालों की तरफ से है, तो दूल्हे का फादर या जो भी बड़ा था वहां बुजुर्ग था, वो सब खड़े होकर पहले दुआ कर रहे थे, दुआ हुई है, फिर जाके जो है वो खाना खुला है। उसके अलावा फिर जब हम खाना वगैरह खा रहे थे, तो वहां पर खुतबा जो है वो इन्होंने लगा दिया शादी हॉल में, पीछे बड़ा जबरदस्त सा बयान लगाया हुआ था, कलाम वगैरह लगाया था, ये सारी चीजें, बजाय इसके के गाने और ये सारी चीजें लगाते हैं। अब मे भी वो रमजान खत्म हुआ इस वजह से, या वहां चलता है इस तरह से, इस चीज का मुझे अभी फिलहाल कोई इतना अंदाजा नहीं है, तो इसको मैं डिफरेंस नहीं कह सकता, इसको जस्ट मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ कि ये मैंने चीज ऑब्जर्व की है वहां पर। दूसरा वहां पर ये था कि जब खाना खत्म हो गया, यहां पर तो ऐसे होता है खाना खत्म हो जाए फौरन से बस सलामी सलामी दो और निकल जाओ, चले जाते थे सब, खाली हो जाता है हॉल। वहां पर जब खाना खत्म हुआ है, चाय वगैरह पीने के लिए प्रॉपर उन्होंने जो है वो बैठे हैं, गपशप वगैरह की है, सारे बुजुर्ग वगैरह बैठते हैं, उन्होंने मतलब एक आप समझ लें घंटा एक जो है वो इस चीज के लिए रखा था कि हमने जो है वो खाने के बाद बैठना है, चाय वगैरह पीनी है, और सुकून से जो है वो गपशप वगैरह लगानी है। तो ये सारी चीजें वहां पर जो है वो मैंने ऑब्जर्व की है ड्यूरिंग शादी, मुझे लगा कि ये डिफरेंसेस हैं जो मैंने पंजाब में नहीं देखे,
मे बी आप लोग मुझे कमेंट में बताएं अगर किसी ने आप में से देखे हैं पंजाब में ये चीजें, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो किया हो किसी ना किसी ने, बट मैंने नहीं ऑब्जर्व किया अभी तक जितनी भी मैंने शादियां देखी हैं पंजाब में भी और मैंने जो केपी के मैंने देखी है, तो इसमें टोटल डिफरेंस है। उसके अलावा फिर जो मैंने आपको रिव्यू दिया है वो एक फैसल मूवर्स का है, जाते हुए हम फैसल मूवर्स और वापसी में जो है डेवो में आया हूं, तो दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। मुझे डेवो की सर्विस थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, फैसल मूवर्स की जरा ज्यादा अच्छी है, कंफर्टेबल है, तो ये चीजें हैं जरा, और बस ये चीजें थी। और इतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर सकी क्योंकि शायद टाइम भी शॉर्ट था, वरना मेरा दिल था पूरा पिशावर दिखाऊं लेकिन वो मैं नहीं दिखा सका, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था। फिर इंशाल्लाह कभी चक्कर लगा तो आप लोगों को प्रॉपर इंशाल्लाह अपने व्लॉग में सारा कुछ दिखाऊंगा मैं। आप लोगों ने सिर्फ सपोर्ट करते रहना है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई, शादी पसंद आई, कांग्रेचुलेशंस कहें मेरे दोस्त को, और उसके अलावा लाइक करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।